नमस्कार सर। डीसी ऑफिस ने भी कर रहे हो ऐतिहासिक नगरी सुजानपुर के चार दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि एवं हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय माता सुरेंद्र सिंह सुक्खू जी का इस ऐतिहासिक चौराहे में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा और स्वागत कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उनके साथ यहाँ राजमान उनके राजनीतिक सलाहकार श्री सुनील शर्मा बिट्टू ने, माननीय विधायक श्री माननीय का, और हम इस पावन अवसर पर हम कामना करते हैं, हम पूजा अर्चना करते हैं कि होली का यह उत्सव लगातार हम यूं ही सदियों सदियों तक मनाते रहें और होली के रंगों के साथ हमारा जीवन भी, हमारे जीवन में भी एक नई उमंग, नई उल्लास और नए उत्साह का संचार हो, ऐसी हम कामना करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ ही। यह हमारा परम सौभाग्य है कि अपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज इस उत्सव के शुभारंभ के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा हूँ एक बार फिर डीसी महोदय से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पारंपरिक रूप से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, हिमाचली टोपी शॉल मैडम थोड़ा सा और एक बहुत ही खूबसूरत स्मृति चिन्ह जो कि अनुकृति है यहाँ जो सुजानपुर का ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर है उसकी एक बहुत ही एक शानदार अनुकृति ऋषि महोदया भेंट कर रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। मेरा एक बार फिर निवेदन है ऋषि महोदय से कि वे हमारे बीच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के राजनीतिक सलाहकार श्री सुनील शर्मा बिट्टू जी का भी अभिनंदन करें, उनका भी स्वागत करें। एक बार फिर निवेदन ऋषि महोदय से कि वे अभिनंदन करें हमारे बीच में उपस्थित बड़सर के माननीय विधायक श्री इंद्रदत्त लखनवाल जी का। तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार फिर निवेदन ऋषि महोदय से कि हमारे बीच में उपस्थित स्थानीय विधायक श्री राजेंद्र राणा जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। निवेदन ज्वालामुखी के विधायक श्री संजय रतन जी से कि वे भी हमारा एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। निवेदन जयसिंहपुर के विधायक श्री यादवेंद्र गोमा जी से कि आप भी एक छोटी सी भेंट यहाँ आयोजन समिति की ओर से स्वीकार करें। निवेदन है भोरंज के माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार जी से
कि वे भी आयोजन समिति की ओर से एक छोटी सी भेंट, एक भावपूर्ण भेंट स्वीकार करें। निवेदन माननीय विधायक हमीरपुर से श्री आशीष शर्मा जी से कि आप भी होली उत्सव आयोजन समिति की ओर से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। माननीय विधायक श्री आशीष शर्मा जी, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह खाने जी का भी अभिनंदन है आयोजन समिति की ओर से। हमारे बीच में सुंदरगढ़ के पूर्व विधायक जो कि मुख्य संसदीय सचिव भी रह चुके हैं श्री शिवलाल ठाकुर जी, आपका भी अभिनंदन स्वागत होली उत्सव आयोजन समिति की ओर से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस चार दिवसीय होली उत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजन समिति ने एक स्मारिका का प्रकाशन भी किया है। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और अन्य अतिथियों से कि वे अपने कर कमलों से इस स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करेंगे। होली उत्सव आयोजन समिति की ओर से एक बहुत ही एक सुंदर स्मारिका जिसमें कई महत्वपूर्ण लेखों का संकलन किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुजानपुर एक बहुत ही ऐतिहासिक नगरी रही है और यहाँ होली की बहुत पुरानी परंपरा है महाराजा संसार चंद के जमाने से, उसके शासनकाल से होली का यह पर्व मनाया जाता है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की चर्चा करें तो होली के उत्सव की चर्चा करें तो वह सुजानपुर के बगैर उसे अधूरा माना जाता है। तो उस ऐतिहासिक परंपरा से संबंधित यह स्मारिका प्रकाशित की गई है और इसमें जो कई महत्वपूर्ण लेख संकलित किए गए हैं। और इसका विमोचन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही यह खूबसूरत स्मारिका बनकर तैयार हुई है आयोजन समिति की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से। अब मैं निवेदन करूंगा एडीसी सर से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय